Welcome dear students, my dear friends, welcome back once again. आज जो हम बात करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वह है जॉब एजुकेशन। जॉब एजुकेशन चैनल है जिस पे आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड वो तमाम जानकारियां। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, वह विषय है काफी इंटरेस्टिंग, जो आप हमेशा से आपने मुझसे पूछा कि ग्रेजुएशन में हमने हिस्ट्री लिया हुआ है, मास्टर ग्रेजुएशन हमने हिस्ट्री से किया, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो आज मैं बताऊंगा, अगर आपने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर डिग्री किया हुआ है, तो आप इसके लिए 8 ऐसे करियर ऑप्शन हैं जो आपको बेहतर सैलरी दिलाएंगे और आपको आपके जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। तो अगर हिस्ट्री इस समय की वर्तमान समय को देखते हुए अगर मैं बात करूं, तो हिस्ट्री का करियर ऑप्शन काफी बेहतरीन है, काफी ब्राइट है। अब ये एक करियर क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है आपको, इन इंडिया की बात करें, भारत में आप अगर हिस्ट्री से हैं तो आपको किन किन जगहों पे काम करने का मौका मिल सकता है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आप जाके वर्क कर सकते हैं, उनको एक एक करके देख लेंगे और समझेंगे, ताकि आपको वो सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगे कि हाँ इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है और करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो 8 करियर अपॉर्चुनिटीज इंडिया फॉर हिस्ट्री, भारत में इतिहास के लिए 8 ऐसे विकल्प हैं, 8 ऐसी संभावनाएं हैं जो अपने आप में काफी बेहतरीन है। जैसे अगर हम बात करें, पहली अपॉर्चुनिटी आर्कियोलॉजी, अगर आप हिस्ट्री से हैं तो आर्कियोलॉजी में आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। मैं बात करूं दूसरे नंबर पर तो है आपका म्यूजियोकोलॉजी, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं, बेहतर करियर बना सकते हैं। इसके बाद म्यूजियम क्यूरेटर्स का आता है, ऑप्शन आता है आपके पास, इसका भी काफी अच्छा है, काफी ब्राइट स्कोप है और डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वह है आर्किविस्ट, हिस्ट्री से अगर आपने किया है तो आर्किविस्ट बनने का काफी चांस रहता है आपको और एक बहुत अच्छी सैलरी के साथ। नेक्स्ट नंबर पे आता है हिस्टोरियन, अगर आप इतिहासकार बनना चाहते हैं या इतिहास में इंटरेस्टेड है, आपने हिस्ट्री से किया हुआ है, तो ये आपको एक बहुत अच्छा करियर देगा, बहुत अच्छा करियर देगा, पैसा भी देगा और आराम की जिंदगी भी देगा। आगे की मैं बात करूं वह है हिस्टोरी एक्सपर्ट की, जो इतिहासकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं इसके लिए, इनकी भी काफी डिमांड है इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें टीचर्स, अगर आप हिस्ट्री में हैं तो अगर टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, एक बेस्ट टीचर आप डिग्री कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, आप इंटर कॉलेज में टीचर बन सकते हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं जिसका फ्यूचर काफी बेहतर है। 8वें नंबर पे बात करें सिविल सर्विसेज, तो इसके बारे में तो आपको बताना ही नहीं है, आप जान ही रहे हैं, लोक सेवा आयोग से संबंधित आप IAS, PCS, IPS तमाम तरह के ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं। अब मैं एक एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। तो अगर हम बात करें आर्कियोलॉजी की, तो इसे कहते हैं पुरातत्व विभाग, तो पुरातत्व विभाग में आपको नौकरी करने का मौका मिल सकता है यदि आपने हिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं म्यूजियोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे चांस मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके पोस्ट ओपन होते हैं जहाँ पे काफी डिमांड है। अब मैं बात कर लेता हूँ संग्रहालय क्यूरेटर की, जहाँ पे कुछ ऐसी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, कीमती चीजें हैं, उनका संग्रहालय बनाया जाता है, म्यूजियम होता है, वहाँ एक क्यूरेटर की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छी सैलरी के साथ ये वहां पे उन्हीं लोगों को रखा जाता है जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री से होता है, यानी हिस्ट्री में उन्होंने एकेडमिक किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं पूरा लेखपाल की, अर्थात आर्किविस्ट की, आर्किविस्ट जिसे आप पूरा लेखपाल कहते हैं, इसकी भी काफी संभावना है, काफी अच्छी स्थिति भारत में बनी हुई है। अगला पॉइंट आता है आपका इतिहासकार, तो इतिहासकार की भी काफी डिमांड है, अगर आप हिस्ट्री से हैं तो इतिहासकार बनने का आपको मौका मिल सकता है। हिस्ट्री एक्सपर्ट यानी इतिहास विशेषज्ञ, इतिहास विशेषज्ञ के पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं, तमाम भारत में तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे इस तरह के पोस्ट को रखा जाता है, ऐसे लोगों को रखा जाता है। और शिक्षक के बारे में आप जान ही रहे हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, और फिर मैं बात करूं सिविल सेवाओं में जाने का मौका। तो हिस्ट्री से अगर आपने किया तो 8 ऐसी चीजें हैं जिनकी काफी डिमांड है और आने वाले फ्यूचर में ये आपको बेहतर करियर देंगे, बेहतर सैलरी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और फिर 8 करियर अपॉर्चुनिटीज जो है भारत में, ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।